हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ही हेयर कट जो मैंने अपने ही सलून पे कराया है। और बहुत ही सिंपल हेयर कट कराती हूँ मैं, बट फिर भी आप लोग काफ़ी पूछते रहते हैं कि मैम आप अपना कौन सा हेयर कट कराती हैं। तो देखिए, मैंने अपने बालों में ना अभी बूटोक्स कराया था। बूटोक्स कराने के बाद क्या होता है ना, हमारा बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और स्ट्रेट होने के बाद कुछ बाल जो हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी थोड़ी सी फिनिशिंग गड़बड़ाती है। और फिर मेरे को ना लंबे बाल पसंद भी नहीं है पर्सनली, क्योंकि अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबे बाल पसंद नहीं है और मेरे होते भी नहीं हैं। तो देखिए, मैंने अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट में हेयर कट कराया। तो स्ट्रेट में होने के बाद क्या था कि मैंने पहले एक कटिंग कराई हुई थी लेज़र विद स्टेप, जब मेरे बालों में बूटोक्स नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे थोड़े कर्ली हेयर थे, तो उसके ऊपर मेरी ये कटिंग बहुत सुंदर जाती थी लेज़र विद स्टेप। बट अब वो नहीं अच्छी लग रही है क्योंकि स्ट्रेट बाल हैं। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी स्ट्रेट कटिंग करानी चाहिए, बट मेरे स्टेप क्योंकि अभी कुछ बाकी हैं पहले की कटिंग के, तो मैंने इसको स्ट्रेट कराया तो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने इसको यू शेप में लिया है और ये यू शेप में जाने के बाद ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो इस तरीके से ना, जब आपके बालों की कटिंग की क्या डिमांड है, आपके बालों की क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें हमेशा कटिंग करनी चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं पहले इन्होंने मेरे बालों में बिल्कुल स्ट्रेट कट मारा था और वो स्ट्रेट कट जो है वो मेरे बालों में सही से फिनिशिंग नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप मेरे बालों में यू शेप कीजिए पीछे से, तो वो बहुत सुंदर लगेगी। पीछे से इन्होंने यू शेप कर दी। यू शेप करने के बाद आगे से मुझे अपने फेस पर बहुत ज़्यादा गिरते हुए बाल नहीं चाहिए थे, मुझे कानों के पीछे बाल चाहिए। तो इन लोगों ने मेरे कानों के पीछे करने के लिए हल्का सा लेज़र डाला है, बहुत हल्का सा। तो इस तरीके से देखिए, ये बाल जो है ये मेरे कानों के पीछे बहुत अच्छे से टक होंगे। तो मुझे इस तरीके की कटिंग आगे से चाहिए थी। तो पहले इन्होंने एयर टू एयर पैटिंग करके एक साइड से लेज़र किया, फिर दूसरी साइड से लेज़र किया, और ये बाल जो हैं वो मेरे आगे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं अपनी जो कटिंग है उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मेरी आगे और पीछे से दोनों तरफ से कटिंग हो गई है बहुत अच्छे से, जैसी मेरे को चाहिए थी। और मैंने ये कटिंग अपने, क्योंकि मेरा स्टाफ है जो हमारे हेयर कट करते हैं, उनसे कराई है। तो मैंने अपनी डिमांड इसमें पूरी पूरी रखी है और मैंने जिस तरीके से मैं कंफर्टेबल हूँ कटिंग के साथ, वो ही मैंने कटिंग इनके साथ में कराई है। तो यही हम क्लाइंट के साथ करते हैं कि जब आप कभी भी आप अपना कटिंग कराने के लिए आएंगे तो हम आपकी ज़रूर पूछेंगे कि आपको किस तरीके की कटिंग चाहिए, आपको कानों के पीछे बाल चाहिए या आपको फेस पर गिरते हुए बाल चाहिए। उसी के हिसाब से हम आपको फिर सलाह देते हैं और बहुत अच्छे से आपकी कटिंग करके देते हैं। तो देखिए, फाइनल में ये अपना रीचेक कर रही हैं, जिसको बोलते हैं मिलाना, कि हम लोगों को ये एक बार अच्छे से फिंगर की हेल्प से मिलानी होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया कटिंग मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, प्लीज़ एक बार सर्च कीजिएगा। और ये कटिंग भी मैंने देखी, आप लोगों के साथ में शेयर कर दी और आप मुझे देखते ही रहते हैं, आप लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। तो देखिए, इन्होंने इस तरीके से ना फिंगर की हेल्प से मेरी सारी कटिंग, जो भी ऊंची नीची हल्का फुल्का इनको लग रहा था वो इन्होंने कर दिया। और मैंने ड्रायर इसमें नहीं लगवाया है, विदाउट ड्रायर ही मेरी कटिंग बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी शेयर भी करती हूँ कि मैं बालों में ड्रायर क्यों नहीं लगवाती। तो देखिए, इस तरीके से हमारी कटिंग जो है वो डन है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। काफ़ी सारी बातें इस वीडियो में मैंने आप लोगों से की हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा इंजॉय कीजिएगा। देखो, आप लोगों ने मेरा हेयर कट देखा। आप लोग ना बहुत क्वेश्चन करते हो मुझसे कि मैम आप कौन सा हेयर कट कराते हो। देखो, मैं बहुत सिंपल हेयर कट कराती हूँ और मेरा हेयर कट ना फेस पे गिरता हुआ भी बहुत ही कम होता है। कभी कभी तो मैं लेज़र विद स्टेप कराती हूँ जो मेरे ऊपर बहुत अच्छी जाती है, बट मैंने अपने बालों में क्योंकि इस टाइम बूटोक्स करा रखा है तो मेरे बाल ना फुल्ली स्ट्रेट हो गए हैं। तो मल्टी स्टेप, स्टेप या लेज़र विद स्टेप नहीं कर सकते, ना ही कोई भी किसी भी तरीके का बटरफ्लाई हेयर कट, किसी भी तरह का कोई एडवांस कट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी आपका बाल बिल्कुल स्ट्रेट है। आप उसमें कोई भी स्टेप डालेंगे वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए बालों के टेक्सचर पे ना बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि जैसे आपके बालों का टेक्सचर होगा वैसी आपकी कटिंग होगी। आप ये नहीं है कि सिल्की बालों में आप बोलें कि मेरा स्टेप कट कर दो, बहुत ज़्यादा फिजी हेयर में बोलें कि मुझे लेयर कट दे दो, मुझे बटरफ्लाई हेयर कट दे दो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं होता है। जैसा आपके बाल होंगे वैसे ही आपका हेयर कट होगा। प्लस कुछ सलून वाले, पार्लर वाले कर देते हैं ये सब चीज़ें। फिर कैसे कर देते हैं कि वो आपके बालों का टेक्सचर ही चेंज कर देते हैं ब्लो ड्रायर लगा के। तो वो जब आपको सेट करके देते हैं तो वो आपको जो कटिंग उन्होंने की है वो कटिंग आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी, क्योंकि उन्होंने आपके बालों को सेट कर दिया। बट अगर आपने सेट नहीं कराया, जैसे कि मैं हूँ, मैं बालों को सिर्फ कटिंग कराती हूँ बालों में, सेट किसी भी क्लाइंट को मैं साफ मना करती हूँ कि आपको सेट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कटिंग की ही आपके बालों के टेक्सचर के हिसाब से है। सेट करे हुए बालों में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपने अगर सेट कर दिए बाल तो आपने क्योंकि बालों का टेक्सचर चेंज कर दिया, तो जो कटिंग आपने की है वो बहुत क्लियर दिखेगी, बट वो वॉश होने के बाद अपने नॉर्मल टेक्सचर पे आ जाना है बाल, तो वो कटिंग फिर उस टाइम पे नहीं दिखती। और ये बहुत क्लाइंट की जो है वो मेरे को आके शिकायत कई लोगों ने की है इस चीज़ की, कि हमने एक सलून पे काम कराया और वहाँ पे उन्होंने मुझे हेयर कट दिया था और बहुत सुंदर लग रहा था वो हेयर कट,
बट मैंने जैसे ही हेयर वॉश किया मुझे कटिंग ही समझ में नहीं आई कि उसके बाद मैंने किया क्या था। पहले वो बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने वॉश नहीं किए थे बाल, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ। तो मैं उन लोगों को यही चीज़ समझाती हूँ कि उन्होंने आपके बाल सेट करके दिए थे आपको ब्लो ड्रायर के थ्रू, ताकि आपके बालों की जो उन्होंने कटिंग की है, जो लेयरिंग की है, वो आपकी लेयरिंग एक एक दिख रही होगी आपको उस टाइम पे। बट आपने जैसे ही वॉश करा तो क्योंकि आपके बालों का टेक्सचर ही नहीं था वो, क्या आपके फिजी हेयर है और आपने उसमें कोई लेजर वगैरह कट ले लिया तो वो नहीं दिखेगा आपके बालों में। आपका बाल स्टेप कट का है तो आपके बालों को स्टेप कट ही उनको करना चाहिए था। बट यही है कि थोड़ा सबके अपना अपना तरीका है, बट मेरा तरीका यही है कि मैं अपने हर क्लाइंट को बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ, जैसे उनका हेयर है वैसी एडवाइस देती हूँ, जैसा उनका फेस कट है उस फेस पर किस तरीके के बाल चलेंगे उस तरीके का जो है वो मैं उनको एडवाइस देती हूँ। तो आप मेरे फेस को देख सकते हैं, मेरे फेस पर जब से मैंने बूटोक्स कराया स्ट्रेट हेयर मेरे फेस पर बहुत अच्छा लगता है, बट मैं अपने स्ट्रेट हेयर में बालों को ना फेस पे नहीं रख सकती। ठीक है, देखो जैसे मैंने इसमें लेयर कराई है ये, बट मैंने ये लेयर किस तरीके की कराई है कि ये मेरे कानों के पीछे टक हो जाए, देखो। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आगे से ये जो कट लिया है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में कट लिया है, हल्का सा यू भी डलवाया है उसमें, लेकिन ज़्यादातर मेरा बाल जो है वो स्ट्रेट कट में है, बट उसमें हल्का सा सेमी यू भी करवा दिया क्योंकि साइडों से स्ट्रेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले मेरे बालों में लेजर विद स्टेप थी जब मैंने बुटोक्स नहीं कराया था। तो देखो अब ये कानों के पीछे मेरे चलेगा तो ये बिल्कुल भी मुझे मैसी नहीं फील कराएंगे, बिल्कुल भी मेरे फेस को ना ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कैरी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं फेस पे बाल गिरते हुए कैरी नहीं कर पाती। ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही हमें कटिंग करनी चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है हर सलून वाले को, हर पार्लर वाले को और हर हेयर स्टाइलिस्ट को कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करिए। आप लोग जो अपनी अपनी चलाते हैं ना, उसके बाद क्लाइंट सच में बहुत दुखी होता है और वो बाद में उस कटिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हम इस फील्ड में हैं तो हम उस तरीके का काम करेंगे जिस तरीके का हमारे क्लाइंट को ज़रूरत है। जैसे अब मैं हूँ, मेरी नीड है कि मेरे फेस पे बाल नहीं आने चाहिए, मेरा बाल बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मुझे कोई लेयरिंग नहीं चाहिए। और मुझे एडवाइस भी अगर मैं नहीं होती अपने सलून लाइन में तो मैं मुझे अगर मैं कहीं जाती कटाने के लिए तो मुझे यही एडवाइस सलून वालों को देनी चाहिए जो मेरे ऊपर ये चल रहा है इस टाइम, क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं आपको सारा कुछ बोल बोल के वीडियो में वॉइस ओवर में बता चुकी हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा हेयर कट बहुत प्यारा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इस हेयर कट के साथ, क्योंकि मैं शॉर्ट ही हेयर रखती हूँ, उससे लंबे हेयर नहीं रखे जाते और एक स्टेज पे आके मेरे बाल ना लंबे होते भी नहीं हैं, उससे नीचे जाते ही नहीं हैं। ये होता है बहुत लोगों के साथ में, ये चीज़ होती है, और फिर मैं अपने बालों में कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ, उसकी वजह से भी मुझे अपने बालों को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं हेयर कट बीच बीच में लेती रहती हूँ। हर हेयर कट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, लोड्स ऑफ वीडियो हैं हेयर कट की जो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, अपनी भी और अपने रियल कस्टमर के साथ में जो हम लोगों ने काम किया है उसकी भी। तो प्लीज़ उन वीडियो को अच्छे से देखिए, और उन वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली हेयर कट समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।